मैंने कहा कि आप समाज के अध्यक्ष हैं, मैं तो समाज का अध्यक्ष नहीं यही कहा है। और मैं अब आपसे पूछता हूँ, आप मेरे बुजुर्ग भी हैं, कि मैं विद्वान हूँ और जिनवाणी मैंने पढ़ी है और मुनि का सच्चा स्वरूप मेरे ख्याल में आया है, तो मैं समाज को वो समझाऊं कि नहीं समझाऊं? और यदि मेरी समझ में आ रहा है कि इनको मैं आहार देने ऐसी मेरी स्थिति नहीं है, तो मैं क्या करूं? मैं आपसे पूछता हूं गांधी जी, वो अभी भी वो तो नहीं होंगे, उनके बच्चे होंगे और धर्मशाला तो वो है ही, तो वे बेचारे वो मेरे से क्या कहते हैं कि भी शास्त्र की बात नहीं बताओ, क्या करो क्या करो हैं? वो भी गंभीरता से चुप रहे। अब मैंने कहा हम तो जो बता रहे वही बताएंगे, वही मानेंगे, और आप जो कर रहे आप जानो। मैं आपसे नहीं कहता हूँ कि आप मत दो, ना मैं ये कह सकता हूँ कि दो। अब वही हम कह रहे हैं ना, यहाँ अभी अभी अपन भी वही सोच रहे हैं ना, मुफ्त की बहस करने से क्या फायदा? आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो। व्यर्थ की बात करके सामाजिक व्यवस्था में झगड़ा पैदा करने से कोई लाभ तो है नहीं क्या? और वो झगड़ा पैदा करने से कोई आपको उपलब्धि नहीं होने वाली, आप समझे ना? आपका दूसरे दिन प्रवचन बंद हो जाएगा और आप जो तत्व ज्ञान सिखा रहे वो भी नहीं सिखा पाएंगे, और उनका तो चलेगा ही, वे भूखे रहने वाले नहीं हैं, पर आपको भूख वे भूखे रहे इसमें हमें कोई स्थिति तो नहीं है क्या? तो ऐसी ये समस्या है। फिर हम सच्चा स्वरूप तो समझेंगे ही ना, समाज में अपने विवेक से रहना और हम स्वयं सही आचरण ही करना जो सही है अपने स्वयं को, और बाकी जितना जो संभव हो जो होगा आप अपन क्या कर सकते। विगत गाथा में और उसकी टीका में यह समझाया गया है कि युक्ताहार विहारी साक्षात अनाहार विहारी ही है। अब इस गाथा में उनके युक्ताहार विहारत्व को सिद्ध करते हैं कि भाई वो कहता है जब साक्षात अनशन स्वभावी और अविहार स्वभावी हैं तो भोजन असन और विहार होना ही क्यों? तो कहते कि नहीं, युक्ताहार विहार उनके होना जरूरी है, अनिवार्य है, नहीं हो जो अब लिखते ना उसको युक्ताहार विहारत्व को सिद्ध करते हैं। एक तो ये कि वो युक्ताहार विहार है, समझे ना, ये सिद्ध करते हैं, और दूसरा ये कि ऐसा युक्ताहार विहार उस दशा में होता ही है, तो सातवें गुण स्थान से ऊपर जाएंगे तो नहीं होगा। श्वेतांबर तो अनंत तक को मानते हैं कबीराहार है ना, लेकिन अपने यहाँ तो सातवें गुण स्थान से नहीं मानते, आहार और विहार सिर्फ छठवें ही गुण स्थान तक होगा। तो यदि आहार विहार करने हुए व्यक्ति को हमें माने ही नहीं कि ये मुनिराज हैं, तो छठवें गुण स्थान वाले भी मुनिराज नहीं रहेंगे, जबकि साथ में तो शास्त्र में तो है। तो उनको यदि निर्दोष आहार विहार है शास्त्र के अनुसार, तो वे अब्बाद मार्ग वाले मुनिराज हैं। ये आएगा अभी आगे की गाथाओं में, अगला जो अधिकार आएगा उसमें यही बात आने वाली है कि अब्बाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, दो सातवां गुण स्थान में अब्बाद मार्ग और सातवें गुण स्थान में उत्सर्ग मार्ग। पर ये तो अपने यहाँ आया ही है कि छठवें से सातवें, सातवें से छठवें कई बार आते जाते रहते हैं, तो वो मुनिराज परम पूज्य हैं, उनमें किसी को अपूज्य नहीं बताया है। आया समझे ना?
लेकिन वो जो उनके अंदर कमजोरी है वो भी बताई है, उनमें उनको कोई उसकी वजह से वो नहीं मिल जाती सुविधा क्या, जितनी प्रकृतियों की बंद में छुट्टी हुई है छतवें मनस्थान में उतनी की ही रहेगी, साथ में जितने की होती है उतने की नहीं होगी, मतलब वो वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, फिर भी स्थिति होती है उसकी बात यहाँ की जाएगी। पढ़ो गाथा 28 में, तन्मात्र ही है परिग्रह, केवल देहो समनो, ये देह है, तेरहवें मन स्थान तक चौदहवें मन स्थान तक रहेंगे, यानी अभी तो थोड़ा बहुत राग जो अनंतानुबंधी नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, प्रत्याख्यान नहीं है, लेकिन संयोजन संबंधी है ही ना, लेकिन जब ये राग नहीं रहेगा ऐसी वितराग दशा में अरहंत भगवान के भी शरीर है, और अरहंत भगवान के दो गुण स्थान तेरहवा और चौदहवा, तो चौदहवें तक भी शरीर की स्थिति है, तेरहवें और चौदहवें में तो तगड़ा हार लिए बिना ही शरीर की स्थिति बनी रहती है, है आप समझेंगे ना, लेकिन अभी छठवें सातवें गुण स्थान में तो शरीर की स्थिति ऐसी नहीं बनी रह सकती है, तो इसलिए छठवें गुणस्थान में सातवें के बाद तो वो विकल्प नहीं है, उनको युक्ताहार विहार होता है क्या। तो अब कहते तन मात्र ही है परिग्रह, अब वो हम कह रहे हैं अंदर से तो अंतरंग परिग्रह तो है नहीं, यदि हमको राग के बिना ही शरीर को हम परिग्रह माने तो अरहंत भगवान के राग नहीं है तो क्या उन्हें तन का परिग्रह है, नहीं, तन है और तन का परिग्रह नहीं है। और हमारे जब तक राग भी है संजलन का ही सही, तो राग भी है ना, तो तब तक उसका परिग्रह तन मात्र ही है परिग्रह, और ममता नहीं है देह में। अब ममता माने तो एकत्व ममत्व होता है, तो ये बिल्कुल श्रद्धा की बात हो गई ना, कि उसमें एकत्व नहीं है ममत्व नहीं है। अब इतना भी समझ लो चाहे त्रिमोह का अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान वर्णन राग भी नहीं है, अब ये है तो है ही। अभी अपन देखते ना अपने घर में अपनी बच्ची भी पत्नी भी रहती है, माँ भी रहते हैं, बाप भी रहते हैं, बाल बच्चे भी रहते हैं, और फिर कभी हमारा भाई का लड़का भी हमारे घर में रहता है, कभी हमारे साले का लड़का भी हमारे घर में रहता है, रिश्तेदारों के लड़के भी रहते हैं ना, और कभी कोई रिश्तेदार नहीं होता है, हमको अच्छा लड़का दिखता है और उसकी कोई व्यवस्था नहीं है तो हम उसे भी अपने घर में रख लेते हैं। ये तीन परिस्थितियाँ बन सकती हैं ना, लेकिन तीनों के प्रति एक सा राग है, अपना जो लड़का है वो, और अपना रिश्तेदार का लड़का है वो, और वो जो बिल्कुल रिश्तेदार भी नहीं है और वो भी हमारे घर में रहता है वो, तो तीनों की बिल्कुल तीन तरह की अलग परिस्थितियाँ हैं और सब जानते हैं। कोई शिकायत करे कि नहीं, जैसे जो अपने लड़के से प्रेम करते हैं तो मेरे से उतना प्रेम नहीं करते हैं, भाई का लड़का पड़ोसी का लड़का ये कहे तो उसके माँ बाप भी क्या कहेंगे, तुझे पढ़ना है, भूखा तो नहीं रहता, ऐसी नौबत तो नहीं, इतना राग करते हैं तो बस पढ़ ले,
अभी बात द्वारा मत कहना, ये तो नेचुरल है, उसको तो सारे जीवन में ही रखेंगे, उसके धंधे पानी की भी व्यवस्था करेंगे क्या, उसके लिए तो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो सब कुछ तेरे लिए नहीं करेंगे क्या। और जो अड़ोसी पड़ोसी का लड़का अपने रख लिया है ना दया करके, वो तो ज़्यादा 3-5 करेगा तो अभी भगा देंगे, राग तो उससे भी था, नहीं रखा क्यों था। तो ये सब फर्क फर्क तो आता है ना, तो ऐसे ही मिथ्या दृष्टि के देह में एकत्व बुद्धि, फिर सम्य दृष्टि के देह में राग, फिर पंचम अनुष्ठान वृत्ति के देह में राग, फिर छठवें अनुष्ठान वृत्ति के देह में राग, फिर सातवें अनुष्ठान वृत्ति के, तो फर्क तो होगा, तो फर्क तो वस्तु का स्वभाव है। अब वो ये कहकर ममता नहीं है देह में, कैसा तो साफ लिखा है ममता नहीं है, हम तो अकेला मिथ्या तो मानेंगे, हम तो अकेला ये मानेंगे, इतना मानने से क्या होता है, शब्दों में तो बहुत कमजोरी है, हमें उस शब्द का जहाँ जैसी भूमिका है उस भूमिका के अनुसार अर्थ लगाना पड़ेगा, कोई वो तत्व तो हमारी समझ में आएगा, किसकी जिम्मेवारी है, हमारी बात समझ में सही बात आवे इसकी जिम्मेवारी किसकी है, कुंद कुंद की, अमर चंद की, किसकी है, हमारी, तुम्हारी, अनंत भगवान की, किसी की, सिर्फ तुम्हारी जिम्मेवारी है। हमारा गला पकड़ने से काम नहीं चलेगा, कहीं साहब डिक्शनरी में तो ऐसा अर्थ नहीं है, आप ऐसा अर्थ करेंगे हम कैसे मानेंगे, मत मानो ना, क्यों, तुम्हें वस्तु और तुम बताओ क्या अर्थ करोगे, तो ममता नहीं है देह में, ये चौथे गुणस्थान वाले को भी कह रहे और पांचवें वाले को भी कह रहे और छठवें वाले को भी कह रहे, सातवें वाले को भी कह रहे और अनंत भगवान को भी कह रहे, तुम तो कह दो हम तो अनंत भगवान को भी नहीं मानेंगे, है ना कुछ लोग जो कबला हार मानते हैं, नहीं मानेंगे तो क्या होगा, वो अपने ने लिखा ना कौन सी तुम कौन सी पर्याय किताब में लिखा कि तुम्हारा संसार अभी अनंत बाकी होएगा, इसलिए तुम ऐसी बात कह रहे हो, मेरा पड़ेगा मिला क्या तेरे को कि नहीं मिला, कि हम नहीं मानेंगे, इसे क्या मतलब है, वस्तु का जो स्वरूप है वो तो हमें समझना पड़ेगा ना, कि वो कह रहे हैं कि ममता नहीं है देह में, ये तो निरंतर पढ़ते रहोगे तुम उन्हें तो ही रहेगा याद। क्रम नियमित पर्याय पेज नंबर 15 छंद नंबर 51। क्रम नियमित पर्यायों की यह चर्चा जब निराली है, जो समझेंगे भव्य उन्हें मुक्ति दिलाने वाली, जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं हो, यह परम सत्य है बात किंतु स्वीकृत स्वकाल में ही हो, जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं हो, ऐसा कह कर उन लोगों की निंदा क्यों करते हो भाई, जो नहीं आपकी बात सुने उनकी निंदा तो ठीक नहीं, समझाना है तो समझाओ पर ऐसा कहना ठीक नहीं, जिनको भव भव में रुलना है उनको स्वीकार नहीं
होती जिनका अनंत संसार शेष उनको स्वीकार नहीं होती। यह निंदा के हैं वचन नहीं है वस्तु तत्व का प्रतिपादन परमागम में किया गया इस अटल तथ्य का। हम तो उसको ही बता रहे निंदा का कोई भाव नहीं ऐसा क्यों ऐसे प्रश्नों का हे भाई कोई जवाब नहीं। वस्तु के स्वभाव में भाई कोई तर्क नहीं चलता और दूसरी वस्तु का कोई अधिकार नहीं चलता। जो ख्याल में आ गई ना बात कि जो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि जिनका अनंत संसार बाकी होगा उनकी समझ में एक क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं आएगी तो तुम उनकी निंदा कर रहे थे। तो कहते भाई निंदा नहीं ये वस्तु का स्वरूप है। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं और फिर भी सामने वाले की समझ में नहीं आ रही है उसके लिए आगम में हमें ये बताया है कि उसे 5 समवाय होने चाहिए। कोई बात समझ में आने के लिए उस बात के 5 समवाय होना चाहिए। अब उसकी काललब्धि नहीं आई है तो 1000 कोशिश करोगे नहीं आएगी समझ में। तो ये वस्तु के स्वभाव का कथन है ये उसकी निंदा नहीं है। क्या कैसा भावने ने बहुत समझाया इनकी समझ में नहीं आया तो हम कहते हैं भाई उसकी बुद्धि स्थूल होगी मोटी बुद्धि है नहीं आएगी समझ में। तो कहते उसे मोटी बुद्धि कह के तुम उसकी निंदा कर रहे हो। निंदा नहीं कर रहे वस्तु स्वरूप बता रहे। होती है ना ऐसी मोटी बुद्धि होती है तो नहीं आती है समझ में। अब तुमको भले ही वो तो निंदा सी लगती है लेकिन वो वास्तव में वस्तु का स्वरूप है यानी वो निंदा नहीं है क्योंकि वो बात तो उसकी समझ में हम कह रहे हैं अभी इसका ये अर्थ है। अपने आचार्यों में भी ये बात आई कि तुम ऐसा क्यों कहते हो तो उनका अन्य शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इस शास्त्र की टीका लिख रहे तो इसकी बात बताओ ना अन्य शास्त्रों की क्यों बताते हो। तो टीका का मतलब ये नहीं होता है कि इसी की बताएं उस संबंध में जो बातें हों सब बताएं। वो हमारी ड्यूटी है वो हम बता रहे हैं। ख्याल में आया ना ये एक गला पकड़ने की बात नहीं है। हम बता रहे कि भाई इसमें इसी का अर्थ करते हुए फलानी जगह राजवार्तिक में ये लिखा सर्वा सिद्धि में ये लिखा फलानी जगह ये लिखा इसमें कोई वो बात थोड़ी है कि हम कोई दस्तर निकाल रहे हैं। तो तन्मात्र परिग्रह तन्मात्र ही है परिग्रह ममता नहीं है देह में। और उनका शरीर में परिग्रह तो है और मन ममता नहीं है। परिग्रह तो तभी होते जब ममता होती है। ममत्व परिणामा है ना मूर्छा तु ममत्व परिणामा श्रृंगार बिन शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते। कि तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि शरीर में उन्हें ममता नहीं है तो कहते एक तो श्रृंगार नहीं करते। अब श्रृंगार को तो हम यही समझते हैं कि हम जैसी माताएं देने हैं 50 तरह की कप क्रीम पाउडर रखकर ऐसे लपीट लपाट के ऐसा ऐसा सब करते हैं ना तो हम उसे श्रृंगार समझते हैं नहीं। लेकिन ये हमने जो बाल जैसे ऊंचे हैं टोपी लगाई है शांति जी ने भी लगाए हैं ये भी श्रृंगार ही है ना। क्या है? बाल बनवाते हैं ये करते हैं अलग है अपने अपने हर एक का अपना अलग अलग है ये नहीं है। इधर इधर बहुत ऐसी आलोचना ही स्टेज पर चली थी और युगल जी ने बहुत जोर से कही थी तो मैंने फिर अपने प्रवचन में कहा था उनकी उपस्थिति में कहा था कि श्रृंगार तो आप भी करते हैं आप जैसी कमीज पहनते हैं जैसी धोती पहनते हैं वो नहीं पहनकर जैसी और ऐसे ये पहनते हैं जैसे तुम्हारा बच्चा पहनता है वैसी पहन के क्यों नहीं आए।
तुम इससे चेंट गए हो, तुम्हारा निश्चय श्रृंगार हो गया है। और वो मालूम क्या है, अपने बाल उठते ना तो वो बीच से उठते, महिलाएं उनकी है ना ऐसा। तो मैंने कहा बीच से क्यों निकालते हो बाल, जिन्होंने देखा है उन्होंने देखा होगा। कहा तो भरी सभा में यही इसी गद्दी पे, वो ये सब श्रृंगार है, ऐसा मत कहो। जैसे जैसा ये कहा जितना है थोड़ा मंद होगा, शुद्ध सात्विक ड्रेस ड्रेस पहनने वालों को मंद होगा, पहनना ही ना, और उनको तीव्र होगा। जैसे मुझे पहनते हुए कहीं कभी फटे फटा जैसे ऐसे जैसे, उसमें उसे उसे तीव्र होगा, तुमको भी थोड़ा मंद होगा। लेकिन सभी है ना, और तुम तो अभी तो हम तुम नहीं रहोगे तो कहीं ढंग के रहा करे, ढंग से रहा करे, हम भी कहेंगे ना ढंग से रहा करे। और फिर मैंने कहा दूसरा क्या बताऊँ, देखिए मैं जैसे कपड़े पहनता हूँ, यदि मैं इनको बढ़िया मानता हूँ ना, तो मेरा पोता ऐसे पहने क्यों? तो मैंने कहूँगा नहीं नहीं बेटा इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तो जैसे पहनना वैसे पहना क्यों। और 5 वर्ष का बच्चा छोटा हो घर में तो उसके लिए मैं वैसे ही रंग बिरंगे मैं खरीद के लाऊंगा, मैं ही लाऊंगा, मैं नहीं चाहता हूँ कि वो ऐसे पहने। तो ये भी तो मेरा शौक है ना, लेकिन इतना तो फर्क है ही कि शुद्ध सात्विक ड्रेस का होना ये अपेक्षाकृत ऐसी एड़ी टेढ़ी की अपेक्षा अच्छा हो, है ना, कम कम श्रृंगार की बात है। तो ऐसा ये है तो ममता नहीं है देह में, तो वे बालों का भी ऐसे ही रखेंगे। अब आजकल तुझे आज भी टेस्ट लंच भी बहुत व्यवस्थित ढंग से करते हैं, अब किस कहते लेकिन बना लेते होंगे, क्यों इतना व्यवस्थित तो टेस्ट लंच हो नहीं सकता है, है? तो उसकी सारी जगह आलोचना होती है कि नहीं, लेकिन ठीक तो रखना ही चाहिए ना एकदम, मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ देना चाहिए। हर एक आदमी है, वो जो लालू यादव था ना, तो उसे ऐसे ऐसे बाल रखता था, है ना, आगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो सारे देश विदेश में उसकी चर्चा होती थी और उसको लोग मजाक उड़ाते थे। एक दफे पत्रकारों ने उससे पूछा, सही घटना है मैंने सुना, तो उनने कहा कि आप ऐसे बाल क्यों रखते हैं। मैंने कहा इसमें क्या है, मैं नहाता हूँ, तेल मेल लगाता नहीं हूँ, तो जब बाल ऐसे अव्यवस्थित रहते हैं तो ऐसे ऐसे कर लेता हूँ सहज भाव से, क्योंकि पीछे वो होते नहीं हैं, खड़े हो जाते हैं, इधर उधर करें तो वो व्यवस्थित होते नहीं हैं, उनका नेचर आगे को आना ही है, होता ना किसी का है? तो मैंने कुछ नहीं करता हूँ, बस ऐसे कर लेता हूँ। अब सब लोग समझते कि मैं कोई विशेष श्रृंगार करता हूँ, अलग स्टाइल अपनाता हूँ, मेरे कुछ नहीं। जो सफाई वो दे रहा था, हो सकता है वो सच्ची हो, मैं कोई उस लालू यादव का भगत नहीं हूँ कि मैं उसकी कोई बचाव कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये बता रहा हूँ कि उसकी बात ये सच्ची हो सकती है। कोई कम कोई ज़्यादा कोई कैसा, लेकिन वो तो तुम तेल में गुणस्थान में होगी, कभी बिल्कुल भी उसकी वो नहीं करेंगे समझ में, अतः साथ में गुणस्थान से ऊपर होगा। तो कहते देखो श्रृंगार बिन और शक्ति छुपाए बिना तप में जोड़ते, तो कहते यदि उनको एक दिन भूखा रहने की क्षमता है तो ये शक्ति है, तो ये कोई कसम करते हैं, क्षमता नहीं हो तो नहीं भी करते हैं। मुनिराजों को एक आसन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दो दफे तो उनके खाने का है ही नहीं, लेकिन उपवास करें अष्टमी चतुर्दशी का जरूरी नहीं है। शापकों के लिए तो बताया है शास्त्र में कि अष्टमी चतुर्दशी को उपवास होना करना चाहिए, ख्याल में आई ना, लेकिन मुनिराजों के लिए नहीं है। तो शक्ति छुपाए दंड, शक्ति क्या होती है, जैसे मान लो उनको शरीर तो बहुत मजबूत है, तो शक्ति तो बहुत है, लेकिन उनको एसिडिटी होती है ना, तो उनको एसिडिटी होती है तो
तो भी यदि वो पानी वगैरह नहीं पिए वो करें तो एकदम बहुत पित्त भड़क जाता है, तो नहीं कर सकते हैं। एक आदमी का बैलेंस बराबर हो बात पित्त कब का तो वो कर सकता है। मैंने अपने बचपन में बहुत क्रियाकांड किया है, रात को पानी छोड़ दिया, ये कर दिया, नमक छोड़ दिया, 9-9 महीने तक नमक नहीं खाया। जब मैं ये नहीं जानता था कि नमक नहीं खाऊंगा तो सोडियम कम हो जाएगा, और सोडियम कम हो जाएगा तो बेहोश भी हो सकता हूँ, है ना, मर भी सकता हूँ। अपने पादनी जी सोडियम कम हो गया इसमें ही गए, है आज समझे ना। लेकिन मैंने 9-9 महीने तक नहीं खाया, और गले पे पट्टी बांध बांध के रात निकाली लेकिन पानी नहीं पिया, क्योंकि मेरा ऐसे ही सोचता था कि क्या है, थोड़ी तकलीफ हो जाएगी, क्या फर्क पड़ता, भोग लेंगे उसमें क्या है। लेकिन बाद में धीरे धीरे समझ में आया कि अकेली तत्काल की तकलीफ की बात नहीं है, उसे गला खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, वो मल सूख जाएगा, लेटन नहीं आएगी, पायस हो जाएंगे, ये सब हो गए मेरे को उसी में। फिर धीरे धीरे थपेड़े खा खा कर अकेलाई ठिकाने। अब आपसे आप कह दो कि आप फिर आप भ्रष्ट हो गए, आप कह सकते हो क्या तो शक्ति छिपाए का अर्थ बता रहा हूँ मैं तो सिर्फ, कि मुनिराज को भी मैंने बताया ना कि दो मुनिराज थे, दोनों को प्रवचन में नींद आती थी, एक जवान थे मस्त थे बढ़िया और एक बुढ़े थे। तो जवान मस्त गए महाराज के पास कि मुझे नींद आती है आपके प्रवचन में, प्राश्चित दे दो। तो उन्होंने कहा 3 दिन का उपवास। फिर दूसरे महाराज गए वे बड़े, तो उन्होंने कहा कि साहब मुझे नींद आती है, तो कहा तुम आज से उपवास नहीं करोगे, उपवास पर प्रतिबंध। अरे ये एक एक सा अपराध उस दंड अलग अलग है, हाँ, क्योंकि वो उसको अच्छा जम के खा लेता था इसलिए नींद आती थी, तुम भी जम के खा लोगे तो क्लास में नींद आएगी, है ना, ऐसा। और वो इसलिए वो बेचारा बुजुर्ग था, वो कमजोरी के कारण उसे नींद आती थी, उपवास कर लेता था फिर कमर में नींद आती थी, थक जाता था, इसलिए उसे उपवास नहीं करने को कहा, उसे उपवास करने को कहा, है ना। ऐसा नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं है, आया ना समझ में, कि कोई उसे दंड थोड़ी देना है, जिससे उसका धर्म धन से पले एक काम करना है। तो ममता के बिना शरीर को तो देखो छूटता नहीं है, तो वो छूटो तो हिंसा का दोष है। और अभी मैं शायद मैंने अपनी किताब में लिखा है और अभी कहता हूँ थोड़ा, कि यदि ये शरीर अभी और 10 दिन टिक सकता है, यदि इसको प्रॉपर आहार जो शुद्ध सात्विक प्रॉपर आहार पानी दिया जाए तो, और आपने उसे छोड़ दिया तो 10 दिन पहले चला गया मान लो, तो आत्महत्या का दोष है, ऐसा लिखा है भगवती आराधना।